हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो कक्षा 5 के लिए बनाया गया है। हिंदी व्याकरण प्रवाह का 11वां पाठ है लिंग। लिंग को ही अंग्रेजी में जेंडर कहा जाता है। अब लिंग के बारे में आपने पिछले साल बच्चों सुनाई है, उसके बारे में आपने अभ्यास किया है, फिर भी इस साल हम लिंग के बारे में विस्तृत वर्णन करते हैं। लिंग का विस्तृत वर्णन इस वीडियो में करते हैं। लिंग की परिभाषा क्या है, लिंग कैसे पहचाने जाते हैं, लिंग के भेद क्या है, यह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ उदाहरण आपको देती हूँ, उस उदाहरण के अनुसार लिंग के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर देखो कौन से उदाहरण दिए गए हैं, लड़का और एक लड़की का उदाहरण दिया गया है। लड़का गेंद से खेल रहा है, लड़की पुस्तक पढ़ रही है, मोर नाच रहा है, मोरनी शांत बैठी है, डिब्बा खुला पड़ा है, डिबिया का ढक्कन बंद है। तो यहाँ पर मैं कुछ शब्दों को रेखांकित करती हूँ, अंडरलाइन करती हूँ, तो अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर लड़का, लड़की, मोर, मोरनी, डिब्बा, डिबिया, ऊपर दिए गए शब्दों को मैंने अंडरलाइन किया गया है। तो इनमें से ना तो जो शब्दों को मैं और दो लाइन लगा लेती हूँ, वो शब्द से आपको क्या बोध होता है, आपको पुरुष जाति के होने का बोध होता है। जैसे लड़का, मोर, डिब्बा, इनसे हमें पुरुष जाति के होने का बोध होता है, तथा लड़की, मोरनी और डिबिया, इनसे हमें, इन शब्दों से हमें स्त्री जाति के होने का बोध होता है। तो इनमें से समझ में आ गया, जो मैंने 3-3 लाइन्स ड्रॉ की थी वो सभी पुरुष जाति के हैं, और बाकी के जो बचे हैं डबल अंडरलाइन किए हुए, वो स्त्री जाति के शब्द है। तो फिर लिंग की परिभाषा क्या हो गई, स्त्री और पुरुष जाति के बारे में बताने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। क्या है लिंग की परिभाषा, स्त्री और पुरुष जाति के बारे में बताने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाते हैं, और जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का होने का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो लिंग की परिभाषा फिर एक बार हम देखते हैं, शब्द का वह रूप जो उसके पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराए लिंग कहलाता है। तो जो शब्द दिए जाते हैं उनसे हमें बोध होता है, तो ये स्त्री जाति के हैं अथवा पुरुष जाति के हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, लिंग कहा जाता है। तो लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग की परिभाषा क्या है, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का पता चले उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, चाचा, मोर, शेर, हिरण, पुत्र, वहाँ पर ऊपर एक आया था डिब्बा, ये सभी क्या है, पुरुष जाति के है, तो ये क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। तो स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या है, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। मतलब वाक्य में ऐसे शब्द आते हैं जिनसे हमें स्त्री जाति का होने का बोध होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, स्त्रीलिंग कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर पुल्लिंग लड़का है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग लड़की, चाचा, चाची, मोरनी, शेरनी, हिरनी, पुत्री, माँ, ऊपर जो डिबिया शब्द दिया गया था, ये सभी उदाहरण स्त्रीलिंग के हैं। तो कुछ शब्द अब हमने लिंग किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देखी, पुल्लिंग किस देखी, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं इसके बारे में देखा, उदाहरण सही थे हमने देखा। तो अब कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, कुछ ऐसे शब्द हम इस्तेमाल करते हैं जो सदा पुल्लिंग ही रहते हैं। जैसे पर्वतों के नाम हिमालय, महीनों के नाम जनवरी, दिनों के नाम मंगलवार, पेड़ों के नाम आम, अनाजों के नाम चावल, द्रव्यों के नाम पानी, धातुओं के नाम सोना, रत्नों के नाम हीरा,
शरीर के अंगों के नाम, कान आदि, ये सभी क्या होते हैं? सदा पुल्लिंग रूप में ही इस्तेमाल होते हैं, इसे हम कभी भी स्त्रीलिंग रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त कौवा, उल्लू, तोता, खटमल, मच्छर, कछुआ, भेड़िया आदि भी सदा पुल्लिंग रूप में प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि नदियों के नाम, तिथियों के नाम, भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम, लिपियों के नाम, ये क्या होते हैं? हमेशा स्त्रीलिंग रूप में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके अतिरिक्त जू, तितली, चील, मछली, छिपकली, कोयल आदि शब्द सदा स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग होते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा जो शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, इनके बारे में देखा। तो कुछ शब्दों के साथ नर तथा मादा शब्द लगाकर पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे नर खरगोश, मादा खरगोश। खरगोश एक ऐसा शब्द है कि जिसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप पहचानने के लिए क्या किया जाता है, उनके प्रारंभ में नर या मादा शब्द लगाया जाता है। अगर नर है तो पुल्लिंग है तो नर खरगोश, स्त्रीलिंग है तो मादा खरगोश का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही मच्छर के लिए भी लगाया जाता है, पुल्लिंग है मच्छर तो नर मच्छर, स्त्रीलिंग है मच्छर तो मादा मच्छर। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग होते हैं, जैसे डॉक्टर, मंत्री, खिलाड़ी, इंजीनियर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि। अगर डॉक्टर पुल्लिंग है तो भी डॉक्टर आएगा, स्त्रीलिंग है तो भी डॉक्टर ही आएगा, डॉक्टरिन नहीं आता है। मंत्री के लिए भी वैसे ही है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में मंत्री ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है, मंत्री पुल्लिंग और मंत्रीन स्त्रीलिंग कभी नहीं होता है। इंजीनियर के लिए भी वैसे ही है। लिंग परिवर्तन के भी कुछ नियम है, यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं। अगर अ मात्रा है तो उसे स्त्रीलिंग में आ मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बाल बाला, छात्र छात्रा, सूत सुता, आचार्य आचार्या, वृद्ध वृद्धा। वैसे ही नी लगाकर लिंग परिवर्तन किया जाता है, शेर शेरनी, मोर मोरनी, चोर चोरनी, भील बिलनी, ऊंट ऊंटनी, नट नटनी। इसके अलावा अ और आ से ई की मात्रा आ जाती है, अ आ से किसकी मात्रा आती है, ई की मात्रा आती है, जैसे चाचा है तो चाची, घोड़ा है तो घोड़ी, इसे पुत्र के लिए पुत्री, तो ये यहाँ पर अ और आ के लिए ई की मात्रा आ जाती है। वैसे ही ईया आता है, अ और आ की मात्रा के स्थान पर ईया आता है, जैसे लोटा लुटिया, डिब्बा डिबिया, गुड्डा गुड़िया, चिड़ा चिड़िया, चूहा चूहिया, बूढ़ा बुढ़िया। कुछ शब्दों में क्या होता है, आयन लगाकर स्त्रीलिंग रूप उसका दिखाया जाता है, जैसे पुल्लिंग पंडित है तो स्त्रीलिंग रूप का क्या आएगा, पंडितायन, ठाकुर है ठकुराइन, लाला है ललाइन, चौबे है चौबाइन, चौधरी है चौधराइन। यहाँ पर इन शब्द लगाकर, यहाँ पर आइन शब्द लगाकर आया है तो यहाँ पर इन शब्द लगाकर, सुनार सुनारिन, लुहार लुहारिन। यहाँ पर देखो और भी शब्द दिए गए हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही आपको बोलकर उसका रूप देखना है और इन नियमों को आपको लर्न करना है, तभी आपको उसका डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इका लगाकर क्या आता है, इका मात्रा लगाकर स्त्रीलिंग रूप दिखाया जाता है। कुछ शब्दों में कौन से है, वो गायक, नायक, सेवक, लेखक, पाठक। इसके यहाँ पर इका कैसे आएगा, गायक के लिए गायिका, नायक के लिए नायिका, सेवक के लिए सेविका। इसके अलावा जो दिए गए हैं वो आपको मेरी तरह पढ़ने हैं। कुछ शब्दों में क्या होता है, आनी लगाकर स्त्रीलिंग रूप दिखाया जाता है, जैसे जेठ जेठानी, सेठ सेठानी, देवर देवरानी, नौकर नौकरानी। वैसे ही मति और वती लगाकर स्त्रीलिंग रूप दिखाया जाता है, मति और वती लगाकर कैसे स्त्रीलिंग रूप दिखाया जाता है, जैसे श्रीमान है तो श्रीमती, बुद्धिमान है तो बुद्धिमती, आयुष्यमान के लिए आयुष्यमती, बलवान के लिए बलवती, गुणवान के लिए गुणवती।
भाग्यवान के लिए भाग्यवती। कुछ शब्द संज्ञा लिंग बदलने पर भिन्न रूप लेते हैं। कुछ शब्दों के क्या होता है, उसका पुल्लिंग रूप एक होता है और स्त्रीलिंग रूप अलग ही होता है। जैसे विद्वान विदुषी, वर वधू, ससुर सास, बैल गाय, कवि कवियत्री, पिता माता। यहाँ पर सम्राट के लिए सम्राज्ञी, राजा के लिए रानी, अभिनेता के लिए अभिनेत्री, युवक के लिए युवती, ताऊ के लिए ताई, विदुर के लिए विधवा। तो हमने इस पाठ में क्या सीखा, पुरुष या स्त्री जाति के बारे में बताने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद प्रकार होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिंग के बारे में देखा और इसके ऊपर जो आपको होमवर्क है उसके बारे में अब हम देखते हैं। रंगीन दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर आपको क्या करने हैं, वो वाक्य दोबारा लिखने हैं। लड़का पढ़ रहा है तो क्या आएगा, लड़की पढ़ रही है। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया है, क्रिया में भी चेंजेस आ गए हैं। लड़की पढ़ रही है। मोर डाल पर बैठा है, मोरनी डाल पर बैठी है। ये घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ी तेज दौड़ती है। देखो लिंग के साथ क्रिया में भी परिवर्तन आ गया है। हिरनी घास चर रही है, हिरन घास चर रहा है। लेखक ने कहानी लिखी, लेखिका ने कहानी लिखी, लेखिका ने कहानी लिखी। देखो यहाँ पर क्रिया में भी परिवर्तन आ रहा है। दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, मैंने यहाँ पर उसके लिंग बदल कर दिए हैं। मोर मोरनी, बेटा बेटी, नर मादा। नर और नारी भी होता है लेकिन नर और मादा भी होता है, इसलिए ये दोनों दिए गए हैं। मादा म है यहाँ पर। बेटा बेटी, सम्राट सम्राज्ञी, माली मालिन, बलवान बलवती, नायक नायिका, लोटा लुटिया, पिता माता, राजा रानी, सुनार सुनारिन, छात्र छात्रा। सदा पुल्लिंग कौन से चार शब्द है यहाँ पर लिखने, सदा स्त्रीलिंग कौन से है लिखने हैं, इसके अलावा भी आप जो है वो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर चार चार शब्द ढूंढ कर लिखे हैं, आपको भी लिखने हैं। तो यहाँ पर शब्दों के लिंग बताने हैं, आप भी खुद ढूंढने की कोशिश करो और वो यहाँ पर लिखने हैं। लोटा पुल्लिंग है, मंगलवार पुल्लिंग है, कबूतर कबूतर भी पुल्लिंग है। यहाँ पर मुझसे वही शब्द लिखा गया है, कबूतर पुल्लिंग है। एक मिनट मैं लिख कर देती हूँ, पुल्लिंग है। डिबिया चूहा, इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिख कर दिया है, आपको वैसे ही लिखना है। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। लोहा मोरनी लुटिया नीम यमुना, ये शब्द दिए गए हैं, इनसे आपको वाक्य बनाकर लिखने हैं। ये खुद लिखने की कोशिश करो बच्चों। दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द ढूंढ कर लिखे। यहाँ पर यह बॉक्स दिया गया, इस बॉक्स से आपसे आपको क्या करना है, वहाँ से शब्द ढूंढ कर वहाँ पर लिखने हैं। मैंने कुछ यहाँ पर ढूंढ कर लिखे हैं, वैसे ही आपको पहले लिखने की कोशिश करो और बाद में क्या करो, यहाँ पर सही है या गलत है ये देखो। इसी व्याकरण प्रवाह का ही 12वां पाठ है वचन। वचन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, नंबर। क्या कहा जाता है वचन को अंग्रेजी में, नंबर कहा जाता है। अब हम इस पाठ में वचन के बारे में देखते हैं। तो वचन के बारे में देखने के लिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसके आधार पर हम वचन के बारे में देखते हैं। चिड़िया दाना चुग रही है, चिड़िया डाल पर बैठी है, बच्चा केला खा रहा है, टोकरी में कई केले रखे हैं। यहाँ पर देखो ये चिड़िया, ये बच्चा, यहाँ पर क्या आ गए हैं, ये दोनों शब्द
उनका उनसे हमें क्या मतलब होता है, चिड़िया दाना चुग रही है। तो ये चिड़िया एक ही है ना, बच्चा केला खा रहा है। यहाँ पर देखो एक ही बच्चा है ना, तो इससे हमें क्या होता है, इस चिड़िया और इस बच्चा केला, इन केला चिड़िया दाना चुग रही है। और यहाँ पर ये बच्चा नहीं, बच्चों यहाँ पर चिड़िया और ये केला, इससे हमें क्या होता है, उसके एक होने का बोध होता है। देखो यहाँ पर एक चिड़िया है, यहाँ पर एक बच्चा है, एक ही है। तो इन शब्दों से, चिड़िया और केला, इन शब्दों से हमें उसके एक होने का बोध होता है, उसके एक होने का पता चलता है। तो यहाँ पर देखो चिड़िया, टोकरी में कई केले, यहाँ पर देखो कई केले, और यहाँ पर चिड़िया, अनेक चिड़िया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें अनेक होने का पता चलता है। तो वचन की परिभाषा क्या है, संज्ञा के जिस रूप से उनके एक अथवा अनेक होने का पता चलता है उन्हें वचन कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, वचन कहा जाता है। संज्ञा के जिस रूप से उनके एक अथवा अनेक होने का पता चलता है उन्हें वचन कहते हैं। तो वचन के कितने भेद होते हैं, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आपको समझ में आ गया, जहाँ पर हमें एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और जहाँ पर हमें अनेक होने का पता चलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। तो वचन के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। संज्ञा शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है उससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक है या अनेक है। तो जब हमें एक होने का पता चलता है तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पंखा, पत्ती, खिलौना, लड़की, पुस्तक, आँख आदि। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके अनेक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पंखे, पत्तियाँ, खिलौने, लड़कियाँ, पुस्तकें, आँखें आदि। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे आकाश, वर्षा, जनता, आग, पानी, हवा, घी, दूध, स्वतंत्रता, चांदी, ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। तो कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर आदि, ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं। कुछ शब्द क्या होता है, दोनों वचनों में, एक वचन में हो वो भी वैसे होते हैं, और बहुवचन है उसमें भी समान ही रहते हैं। जैसे कि दीपक, आलू, कवि, हाथी, रोग, नौकर, डाकू, पत्र, कलम, हाथ आदि। ऐसे शब्द पुल्लिंग होते तथा आ से अंत वाले नहीं होते हैं। तो ये ऐसे शब्द पुल्लिंग होते हैं तथा आ से अंत वाले नहीं होते हैं। जैसे दादा, चाचा, माता, नाना जैसे संबंध सूचक शब्दों का अर्थ नहीं बदलता है। ये देखो शब्दों का कभी अर्थ बदलता है क्या, दादा, चाचा और माता और नाना का कभी नहीं बदलता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदलता है, मैंने पहले ही बताया था। तो कभी कभी क्रिया का भी, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वचन बदलने पर क्या होता है, उसका क्रिया का भी रूप बदलता है। बच्चा खेल रहा है तो क्या आएगा, बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चा का बच्चा, बच्चे हो गए बहुवचन, और खेल रहा है का खेल रहे हैं, ये क्रिया में भी परिवर्तन आ गया है। वो दौड़ता है, वे दौड़ते हैं, अनेक वचन में क्या हो गया, अब क्रिया में भी बदल हो गया है। आदर देने के लिए एक वचन को बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे दादाजी आए हैं, तो क्या हो गया, ये आदरार्थी होने के कारण उसका बहुवचन में परिवर्तन हो गया। मंत्री जी मंच पर बैठे हुए हैं, तो ये आदरार्थी है इसलिए ये बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाने लगे हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के भी कुछ नियम होते हैं। अ का ए बनाकर, जैसे रात के लिए रातें, बात के लिए बातें, ये जो नीचे गए हैं शब्द आपको मेरे तरह बोलने हैं। आ से ए बनाकर, बच्चा के लिए बच्चे, पैसा के लिए
पैसे ये अलग ये नीचे के आपको रीड करने हैं। आपको ए बनाकर माला के लिए मालाएं, सेना के लिए सेनाएं, कविता के लिए कविताएं, आ का या बना लगाकर गुड़िया के लिए गुड़िया, चिड़िया के लिए चिड़िया, कुतिया के लिए कुतिया, पुड़िया के लिए पुड़िया, ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं। ई या ई का ई या ई का ई या बनाकर जैसे साड़ी साड़िया, गाड़ी गाड़िया। यहाँ पर बच्चों देखो और उसके ह्रस्व और दीर्घ में भी परिवर्तन आ गया। यहाँ पर दीर्घ साड़ी की मात्रा है ई की मात्रा, तो ये क्या आ गई है, जब आप उसका बहुवचन करते हैं तो ये हमेशा ह्रस्व हो जाती है ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा ह्रस्व हो जाती है। लड़की लड़कियाँ, नदी नदियाँ, या बाकी के आपको पढ़ने हैं। ऊ या औ के अंत में ए लगाकर गौ गौवे, वस्तु वस्तुए, भू भूए, वधु वधुए, धातु धातुए, बाजू बाजुए, गुरु गुरुजन। कुछ शब्दों के बहुवचन निम्न प्रकार से भी बनते हैं। कुछ शब्दों के बहुवचन कैसे बनते हैं, गुरु के लिए गुरुजन, नेता के लिए नेतागण, मजदूर के लिए मजदूर वर्ग, विद्यार्थी के लिए विद्यार्थी तीगण, युवक के लिए युवा वर्ग, कवि के लिए कवि वर्ग, अध्यापक के लिए अध्यापक वृंद, तुम के लिए तुम लोग, दर्शक के लिए दर्शकगण। जब किसी शब्द के संज्ञा शब्द के बाद ने को में से का आदि परिसर्गों का प्रयोग होता है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए उनमें ओ जोड़ते हैं। जैसे लड़का खाना खाता है, लड़के खाना खाते हैं, तो लड़कों ने खाना खाया, क्या इस्तेमाल किया जाता है, ओ इस्तेमाल किया जाता है। उसमें क्या जोड़ते हैं, ओ जोड़ते हैं, लड़कों ने खाना खाया। गली गंदी है, गलियां गंदी है, गलियों में गंदगी है, योग में उसमें ओ की मात्रा जोड़ ली गई है। ये कपड़े धो लो, ये कपड़े धो लो, इन कपड़ों को की मात्रा यहाँ पर देखो, को धो लो। तो हमने इस पाठ में क्या सीखा, शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। एक है तो एक वचन, अनेक है तो बहुवचन। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। यहाँ पर एक वचन और दो बहुवचन आपको छांट कर लिखने हैं। ऊपर दिए गए शब्दों को देखकर आपको क्या करना है, एक वचन की जगह एक वचन, बहुवचन की तरह जगह बहुवचन लिखने हैं। इसके अलावा रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। यहाँ पर रंगीन शब्द कौन से दिए गए हैं, देखो यहाँ पर बोल्ड किए हुए शब्द है, जैसे कि चिड़िया। चिड़िया के लिए क्या आएगा, इसका बहुवचन चिड़िया आकाश में उड़ गई। पुस्तक का पन्ना फटा है, पन्ना पुस्तक के पन्ने फटे हुए हैं, देखो यहाँ पर क्या हो गया, क्रिया में परिवर्तन आ गया। बच्ची खेल रही थी, बच्चे खेल रहे थे। गली पक्की बन गई है, गलियाँ पक्की बन गई है। उसने माला और गुड़िया खरीदी, उसने मालाएं और गुड़िया खरीदी। वाक्य में वचन शब्द वचन संबंधी अशुद्धि को शुद्ध करके लिखे। यहाँ पर कुछ अशुद्ध शब्द दिए गए हैं, उन्हें आपको यहाँ पर शुद्ध करके लिखना है। मैंने भी लिखा है, आपको भी लिखने की कोशिश करनी है। वचन बदलिए, यहाँ पर वचन दिए गए हैं और वो उसका आपको बहुवचन करके लिखना है। कक्षा के लिए कक्षाएं, चिड़िया के लिए चिड़िया, चूहा के लिए चूहे, कन्या के लिए कन्याएं, सेना के लिए सेनाएं, सड़क के लिए सड़कें। वचन के कितने प्रकार होते हैं, वचन के दो प्रकार होते हैं। तितलियाँ कौन सा वचन है, बहुवचन है। वचन से किसका बोध होता है, वचन से संख्या का बोध होता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हमने दो पाठ का यहाँ पर विस्तृत वर्णन देखा है। कौन से दो पाठ थे, लिंग और वचन। आपको इसके बारे में ध्यान से सुनना है, अगर कोई आपको डाउट है तो आपको आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके आधार पर जो यहाँ पर परिभाषा दी गई है उस परिभाषा के
आधार पर और भी कुछ सवाल जवाब दिए गए हैं, तो आपको परिभाषा लिखनी है उसके भेद, और जो लिंग के भेद लिखने हैं, वचन के भेद लिखने हैं और उसके आधार है अलावा जो सवाल जवाब दिए गए हैं वो सवाल जवाब आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।